अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल UF रिएक्शन। दिस इज उसामा, दिस इज वाडिया। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तो आप फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियोस लेके आपके सामने हम लोग हाजिर हो चुके हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो आपको बताते चले, 20 न्यू फैक्ट्स यू डू नॉट नाउ अबाउट रॉकिंग स्टार यश। तो रॉकिंग स्टार यश पे लेके आए हैं वीडियो, तो बड़ा मजा आने वाला, काफी फैक्ट्स देखने को उनके बारे में मिलेंगे और बड़ा मजा आएगा। तो पहले मेरे ख्याल से वीडियो को पहले देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, हैव वी गो। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको चेकआउट कीजिएगा। इंडिया रॉकी भाई का हाइप आज सातवें आसमान पर है। रॉकिंग स्टार यश ने फिल्म KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से हमें सिनेमा का असली मजा दिया है, और उसके लिए वो एक नए कई सारे अवार्ड्स डिजर्व करते हैं। वैसे तो यश KGF से पहले भी एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे, लेकिन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलने की तो बात ही अलग होती है। आज उनके फैंस सिर्फ कनाडा या साउथ में ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर के कंट्रीज में भी हैं। यश एक काफी हम्बल एंड स्वीट पर्सनैलिटी है, जो उन्हें यूनिक बनाता है। I would really want to thank each one of you from the bottom of my heart for pouring in so much love and blessings on me. Thank you guys. वैसे तो हम यश की लाइफ पर एक फैक्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन देयर इज मोर इन द बॉक्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो शायद इससे पहले तक आपको पता नहीं हो। कितने चेंज है यहाँ पे, यहाँ पे छोटे-छोटे डालते हैं। इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर आज तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है, इसके बाद तुम हमसे कोई हेल्प मत मांगना और किसी रिलेटिव को भी अपनी एक्टिंग के बारे में मत बताना। आज यश के पेरेंट्स उनसे बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें हम्बल रहने को कहते हैं। इनफैक्ट यश खुद ही अपनी रूट को याद रखने और हम्बल रहने में बिलीव करते हैं। दे स्टिल थिंक आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू टेक डिसीजंस, और यू नो दे थिंक आई हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। नंबर टू, यश ने अपनी जेब में सिर्फ 300 रुपए लेकर एक्टिंग के लिए बैंगलोर आए। यश को लगता था कि ये सब इजी होगा, लेकिन वहां जाकर उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। घर छोड़ के भाग के आके बैंगलोर में किसी को नहीं पहचानता था, सो थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करके वहां पे बैक स्टेज वर्क किया। यश दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे। यश ने कुछ टाइम बैक एंड पर काम किया, और उसके बाद उन्हें एक फिल्म के लिए एज एन असिस्टेंट एक्टर हायर कर लिया गया। नंबर थ्री, असिस्टेंट एक्टर बनने के बाद यश ने सोचा कि अब सब ठीक होगा, लेकिन सक्सेस इतना इजी नहीं होता है। पहले तो उस फिल्म की शूटिंग डिले होती रही, और जब शूटिंग शुरू हुई तो कुछ दिनों में ही प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर दिया, जिससे फिल्म कैंसिल हो गई। यश के लिए एक बड़ा सेटबैक था। नंबर फोर, यश ने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स के लिए भी कई सारे ऑडिशंस दिए। नंबर फाइव, यश ने अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में ऐसा टाइम भी देखा है जब उन्हें बस स्टैंड पर सोकर रात बितानी पड़ी है। यश कहते हैं कि एक ऐसा टाइम था जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे यहीं रुकना है, मेहनत करके एक्टिंग में सक्सेसफुल होना है, या वापस घर चले जाना है। बड़ी बात है। नंबर सिक्स, यश अब तक 21 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से दो फिल्मों में इन्होंने कैमियो अपीयरेंस दिया है। यश ने 2010 में आई फिल्म थमसु और 2013 में आई फिल्म चंद्रा के एक सॉन्ग में कैमियो रोल प्ले किया है। वहीं 2014 में आई फिल्म गज केसरी में यश ने डुअल रोल प्ले किया है। नंबर सेवन, यश को KGF से हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का बेसुमार प्यार मिला है, जिसका यश को कभी अंदाजा भी नहीं था। KGF यश की पहली हिंदी रिलीज थी, और इसका रिस्पांस तो हम सभी जानते हैं। यश ने एक इंटरव्यू में कहा कि KGF ने कनाडा सिनेमा को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवा दिया है, जिसमें हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नंबर एट, KGF की शूटिंग करना दूसरी एक्शन फिल्म की शूटिंग से कई ज़्यादा मुश्किल था। लोकेशन में धूल मिट्टी की वजह से इस फिल्म की शूटिंग में कई मुश्किलें आईं। इस फिल्म के हर सीन के लिए महीनों पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी। चैप्टर 1 में कम से कम ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, एंड चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 में यश ने सारे एक्शन सीन्स खुद ही किए हैं।
अच्छा नंबर 9 यस हमेशा से एक बियर्ड लवर रहे हैं। यस ने केजीएफ की शूटिंग के लिए 2 साल तक शेव नहीं करवाई थी। इनफैक्ट यस की इस लुक से इन्फ्लुएंस होकर उनके कई फैंस भी बियर्ड रखने लगे थे। 2 साल बाद फाइनली यस ने अपनी वाइफ के कहने पर शेव किया था, लेकिन फिर से केजीएफ 2 की शूटिंग के लिए उन्हें वैसे ही बियर्ड मेंटेन करनी पड़ी। आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि यस का बियर्ड लुक आपको कैसा लगता है। नंबर 10 चैप्टर 2 में यश का एक पॉलिश्ड लुक दिखाया गया है। इसमें रॉकी एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में रहते हैं। इस लुक को मेंटेन करना यश के लिए इजी नहीं था। इसके लिए यश को 8 महीनों तक का स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ी थी। नो डाउट फिल्म में रॉकी का कैरेक्टर हर बार उभर कर सामने आया है। नंबर 11 यश को एक्टर्स में कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी फैंस तो कभी मीडिया यश का कंपैरिजन दूसरे एक्टर्स जैसे कि प्रभास रामचरण और विजय देवकोंडा से करते रहते हैं। यश ने कहा कि ये कंपैरिजन सिर्फ मेरी फिल्म सक्सेसफुल होने की वजह से होता है। अगर मेरी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो यही लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करने लगेंगे। नंबर 12 यस के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स में लेजेंडरी अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार शाहरुख खान शामिल हैं। यस ने बताया कि अमित जी की 70s की मूवी ही देखकर उन्होंने केजीएफ में रॉकी का कैरेक्टर को प्रिपेयर किया है। बट आई थिंक केजीएफ इन अ वे वाज इंस्पायर्ड बाय बाय मिस्टर बच्चन फॉर सो एसेंस एसेंस ऑफ द बिलीफ सिस्टम सलीम जावेद फिल्म हीरो हीरोइज्म हीरो वर्शिप दैट काइंड ऑफ थिंग नथिंग टू डू विद वहीं अगर करंट बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो यश को रणबीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पसंद है। यश ने ये भी बताया कि कभी मौका मिले तो नवाज के साथ काम जरूर करेंगे। नंबर 13 एक्टर विजय देवकोंडा खुद को यश की लाइफ से काफी कनेक्ट कर पाते हैं। आई लाइक द मैन। विजय ने भी यश की तरह स्ट्रगल करके आज के इस मुकाम को हासिल किया है। देखा जाए तो दोनों की जर्नी काफी सिमिलर रही है। दोनों ने थिएटर में अपना काम शुरू किया, सपोर्टिंग रोल करके आगे बढ़े। इंटरेस्टिंगली दोनों के लिए 2018 एक ब्रेक थ्रू पॉइंट रहा, जब विजय ने अर्जुन रेड्डी और यश ने केजीएफ चैप्टर 1 से हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के दिलों में अपने लिए एक स्पेशल जगह बनाई। दोनों के लिए उस वक्त आई ये दोनों मूवीज करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। him for what he achieved and yesterday we met and we realized that a lot of our lives are very similar. Number 14 यस ने अपनी वाइफ राधिका के साथ अब तक 4 फिल्मों में काम किया है। यस अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते हुए नजर आते हैं कि राधिका ये हमेशा से उनकी फेवरेट को एक्ट्रेस रही है और तो और फ्यूचर में भी ये अपनी फिल्मों में एक साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 15 ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यस एक्टर होने के साथ ही एक प्लेबैक सिंगर भी हैं। उन्होंने अपनी एक फिल्म में गाना भी गाया है और आपको पता है कि साल 2016 में यस का एक म्यूजिक वीडियो भी आया जिसका टाइटल स्पिरिट ऑफ चेन्नई था। इसे विक्रम ने डायरेक्ट किया और इसके कंपोजर सी गिरणन थे। नंबर 16 यस को 2020 में बैंगलोर मैगजीन ने मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में फीचर किया। इसके अलावा यस ने 2019 में जीक्यू इंडिया की लिस्ट में मोस्ट इन्फ्लुएंसर यंग इंडियंस की लिस्ट में भी फीचर हुए हैं। नंबर 17 यस से जब पूछा गया कि वो कोई फिल्म पिक करने से पहले उसके सक्सेस के लिए किस पॉइंट पर बिलीव रखते हैं, तब यस ने कहा कि जो भी आप कहना चाहते हो वो आपको ठीक से कहना आना चाहिए, चाहे वो लव स्टोरी हो या एक्शन फिल्म हो। कभी कभी हम जो फिल्म के थ्रू कहना चाहते हैं वो ठीक से नहीं कह पाते। अगर हम मैसेज ठीक से डिलीवर करेंगे तो जहां भी फिल्म जाएगी लोग उसे समझेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल। नंबर 18 एक्ट्रेस रवीना टंडन ने तो वैसे कई साउथ एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन यस के साथ अपने एक्सपीरियंस को इन्होंने काफी अप्रिसिएट किया। जब रवीना जी से यस के बारे में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितनी तारीफ के फूल सबने इनके बारे में बांधे थे वो सब सच निकले। ही इज सच अ डाउन टू अर्थ हम्बल जेंटलमैन एंड ही सेंस ओवर ग्रेट फूड। आई हैव हैड द ऑनर एंड अगेन आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद अ रॉकिंग स्टार यश, लाइक आई सेड, हु इज नॉट ओनली अ रॉकिंग स्टार बट अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज़ वेल। नंबर 19 यस से एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में काम करने के बारे में पूछा गया। यस ने कहा कि वो फिलहाल बॉलीवुड में इंटरेस्टेड नहीं है। यस कनाडा फिल्म इंडस्ट्री को ही आगे ले जाते हुए फ्यूचर में केजीएफ के अलावा कई बड़ी फिल्में करना चाहते हैं। यस ने कहा कि कनाडा इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है लेकिन हमारी मूवीज को इग्नोर किया जाता है, जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। आई थिंक देयर आर सम वंडरफुल फिल्म मेकर्स, दे जस्ट नीड दैट देयर ड्यू रिस्पेक्ट। इफ आई से यस आई हैव टू एंटर बॉलीवुड, इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, you know, people love them, they know them, they're very familiar with.
नंबर 20, यस सोशल वर्क करने में बिलीव रखते हैं और वो सोसाइटी को हमेशा हेल्प करते रहना चाहते हैं। यस ने पेंडेमिक के चलते कनाडा फिल्म इंडस्ट्री फेटर्निटी के 3000 मेंबर्स को फाइनेंशियली हेल्प किया था। यस ने सभी 3000 मेंबर्स के अकाउंट्स में अपनी अर्निंग्स में से 5000 रुपीस का अमाउंट डोनेट किया, जिसके बारे में यस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिवील किया। वी होप कि आपको हमारी यस पार्ट 2 पर फैक्ट वीडियो जरूर पसंद आया हो। जी तो सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एक काफी अच्छे फैक्ट्स थे रॉकिंग स्टार सर के। बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमें पता भी नहीं। हाँ, कुछ बातें हमें नहीं पता थी, कुछ बातें जो थी वो हमें पता थी क्योंकि हमने वो पार्ट वन में देखी भी थी। जिस तरह के वो उन्होंने बताया कि मतलब वो अपने मतलब स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स वगैरह उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक ये बात हमें फर्स्ट टाइम पता चली है कि उनकी जो वाइफ है वो उनके साथ हीरोइन आ चुकी है। हाँ, ये भी हमें पहले पता नहीं था, ये हमें बाद में पता चली। और उन्होंने बोला कि कोई पता नहीं आगे फ्यूचर में भी वो उनके साथ काम कर सकती है और ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, वो किसी और को इतना पसंद नहीं करते जितना अपना वाइफ के साथ करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में उनको अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बहुत ज्यादा पसंद है और उसके अलावा उन्होंने बोला रणवीर सिंह और नवाजुद्दीन भी उन्हें बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि मतलब अगर चाहे काम करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो काफी अच्छे अच्छे फैक्ट्स है उसके बारे में। लेकिन अगर बात की जाए KGF चैप्टर की, तो KGF से यार इनको वाकई बहुत ज्यादा फेम मिला। KGF में उन्होंने जितनी मेहनत कर चुकी है, बहुत मेहनत की है KGF में जो है ना, इनको बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत की है। लेकिन वैसे तो वो कह रहे थे कि मतलब हर मूवी में मेहनत करते हैं वो और उसको अच्छी तरह मतलब ना रोल को निभाने की कोशिश भी करते हैं। दूसरी ये तक कहा है कि मैं और भी ज्यादा हिट मूवीज। हाँ, वो कहना चाह यही रहे थे कि मतलब मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूंगा, मैं मतलब अपनी इंडस्ट्री में काम करूंगा और KGF से भी अच्छी अच्छी और मूवीज लेके आऊंगा जो बिल्कुल उससे ज्यादा फेमस भी और उनकी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाए। ये उनका एक ख्वाहिश है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि अगर KGF की बात की जाए तो वाकई बहुत ज्यादा इनको प्यार और काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट भी हुई है यार ये मूवी। नो डाउट इसमें अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हमें, हत्ता तक के मेरे ख्याल से शायद RRR के भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया ही होगा क्योंकि 1000 जो हो चुका हुआ है अभी तक देखी जा रही है। 1 month भी हो गए लेकिन फिर भी लोग अभी तक उसको पसंद कर रहे हैं और काफी ज्यादा उसको देखा भी जा रहा है। और दूसरी बात की जाए अगर उनके हेयर स्टाइल की, तो वाकई काफी ज्यादा लोगों ने उनको कॉपी भी किया था और उनकी बेर्ड को भी काफी लोगों ने कॉपी किया था। और वो बेर्ड में और इस तरह लंबे बालों में काफी अच्छा लुक उनका आता है, काफी स्टाइलिश लगते हैं। हमें तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप भी हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।